बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्राउंड जो है, इसमें मैं पहले भी कई बार खेलने के लिए आया हूँ और बहुत अच्छा खेलते हैं आप। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नियमित प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लड़के, और आजकल जैसे आप क्लास 10 के एग्ज़ाम में देखिए, 12 के एग्ज़ाम में देखिए, हमेशा कलकत्ता के बाहर के छात्रा जो है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट करते हैं। वैसे ही मैं बैंडल हुगली का रहने वाला, वहीं पे मैं बड़ा हुआ, तो वहीं से एक से एक फुटबॉल प्लेयर्स वहाँ से आए, सुरजीत सिंहगुप्त, विदेश बोस, क्या क्या सब प्लेयर्स, सब चुचुरा से, बैंडल से, आसनसोल से भी नए नए में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अंडर 19 में खेल रहे हैं, मैंने सुना। तो ये यहाँ पे गर्मी एक बहुत बड़ी समस्या है और दिन के टाइम में प्रैक्टिस करना जो है, लोग लड़के जो है वो कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो सुबह प्रैक्टिस करना भी एक तरीके से तकलीफ़ वाली बात है। 7-7:30 बजे बहुत कड़ी धूप आ जाती है, तो बहुत मतलब बहुत दिन से मेरी एक इच्छा थी कि अगर शाम के टाइम पे यहाँ पे फ्लड लाइट का बंदोबस्त कर दिया जाए तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन भी ये चाहे तो बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते। और विदेश में क्लब्स देखने का शौक़ मुझे है, तो भले वो इंग्लैंड का हो या हॉलैंड का हो या बार्सिलोना हो, रियल मैड्रिड, सब स्टेडियम्स में देखता रहता हूँ। तो हमेशा प्लेयर्स जो है एक तो बहुत अर्ली मॉर्निंग करते हैं, वहाँ पे ठंड रहती है, या तो सारे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लाइट्स में सब खेल रहे और इनको अच्छा लग रहा है, ये खुश है, तो लिहाजा मैं इनके सांसद होने के नाते मैं भी खुश हूँ। तो एक बहुत बहुत पुराना एक इच्छा थी, तो वो आज पूरा हो गया, लाइट्स लग गए और हम खेलना शुरू कर दिया। सेकेंड इनिंग्स भी मेरा शुरू हो गया और ये सेकेंड इनिंग्स में लाइट में जो है, और ज़्यादा लाइट आसनसोल में आएंगे तो चिंता की बात नहीं है। हिट्स होता है ना यार, मांगा मांगे इसको, 15 का 16 के जगह पे फोटो मार ना रहा तू बने फोटो नहीं हो रहा मेल खाली कर दिया, हम दे दे रहे फट से। चल जा रहा है, अच्छा खबर आपका। आउट आउट आउट।